सोनू टेक कैसेट। ऐसा करिए उसे अनिल को उठा के खेत पे भेज दिए, वहाँ आज ज्यादा काम है। उससे कौन टक्कर मारे, अपने आप ही कह दो। मुझे देर हो रही तो ये कह कहा उसे। ठीक है।
मंजू संजय मुलाक साहब ना भेजा खेत पे, मेरी कमर टूट गई काम करते करते। मेरी बड़ी सुन रहा है वो, मुझे तो काटना खुआ है। जो भी कहना आपने आप कहा करो उससे। वैसे पापा जी ने भेजा था उसे खेत पे। वो ना पहुंचे वहाँ। ले मैं तेरे लिए रसगुल्ले ले आऊं, कमरे में रख दे। अभी तो बड़े गरम हो रहे थे मेरे ऊपर। वो तो अनिल पे हो रहा था, तेरे पे बड़ा गुस्सा हो सकूं मैं। बस रहने दो। ले मैं नहाने जा रहा हूँ और तू जल्दी से दूध गरम कर लिया, दोनों बैठ के इकट्ठा खावांगे। ठीक है जी। क्या कर रहा क्या है? धर्म पत्नी की सेवा हो रही है और हमें कोई पूछता भी नहीं। इसे कहते हैं दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। हाँ भाई, कहा था तुझे खेत पाण की कही थी, आया क्यों नहीं? वहाँ कितना काम है? मेरे बस की ना काम, वहाँ जिसका काम है वो अपने आप करे। अरे किसका काम, सारा काम मारा ही तो है, सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है के करने की। तू ही डींग मारता रह, मैं ही करूँ सारा काम, मैं ही करूँ। अरे अब करना पड़ रहा तो क्यों रो रहा है? ना होता मत करे, होता हो कर, मेरे पीछे मत पड़े। काम तो करता नहीं, सारा दिन बकवास करता रहे। पापा जी को आन दे, वे ही सीधा करेंगे तुझे। कह दिए मैं के डरूं किसी से? ओहो दूध, अरे सारा ही तम पियोगे के? थोड़ा बहुत हमें भी दो। ओ बड़ा गर्म दूध है भाई। अरे ये क्या हो गया? अरे ये उस अनिल के काम है, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब रहने भी दो, लड़ने से कोई फायदा ना है। दूसरा काम तो कुछ नहीं करता, खान को से माल चाह। अरे तन्ने कैसे खा लिए रसगुल्ले? कौन से रसगुल्ले बताओ, कौन से रसगुल्ले? ओहो अरे रुक जा, काम आगे है। और भाग के भी देख ले कालों को, भाग गया का? अरे अरे क्या हो गया? काम तो यू करता नहीं, खान कोई से सत्ते जाते चाह, खेत में बेचा था तम नहीं वहां पहुंचा नहीं। अरे भाई मानस की तरह मैंने 100 बार समझा लिया, अब अगर इसकी समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? नहीं तो ढील दे रखी से, नहीं तो यूं सुधर जा। क्या बात कर रहा है तू राजू, बिन माँ का बालक है, बता मैं कब तक इसके साथ शक्ति करूं? और तेरी माँ जो है ना, वो मरते हुए कह के भी गई थी अगर मेरे लाडले को कुछ मत कहियो। इसी बात का तो फायदा उठा रहा हूं, नहीं तो यूं रसगुल्ले खा ले। रसगुल्ले? कैसे रसगुल्ले? मेरा मतलब था काम तो हम करें, माल ही उड़ावे। अरे तो क्या हो गया, भाई है तेरा छोटा, कुछ खा पी भी लिया तो कोई बात नहीं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा।
अरे कहाँ रहेगी, जल्दी रोटी ले आ, देर हो रही खेत पे जाना। मर गई। आ, आ। क्या हो गया, कैसे गिर गई? लगता है तेरे पैर में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे की बात हुई भाई, कैसे गिरम गिरा हो रही है? यहाँ तो पानी पड़ा, किसने गिर दिया? मुझे ना पता। किसने गिर दिया? तेने तो नहीं गिर दिया? हाँ तुझे तो सारी बातों में मेरी गलती लगे, मैं क्यों गिरता? ऐसा कर इसे ले जा, इसकी सेवा पानी कर। अरे कहाँ जा रहा? उसे डॉक्टर राजवीर को बुला लिया, नीम वाले को? इसके बहुत दर्द हो रहा। ठीक है ला रहा हूँ, तुझे तो काम बताने का मौका चाहिए। तो बहुत बुरा है राजू, क्या कह रहा है डॉक्टर? वो तो यू कह रहा है कि वो कई दिन तक हिल भी नहीं सकती। हाँ भाई, मोच का तो राग ही बुरा है, पर वो रोटी पानी का कैसे करेंगे? यही तो समस्या है, उसका पैर सूज गया, इतना मोटा हो गया कि एक आदमी तो उसे चाहते एक बाल को, और इस अनिल तो कोई उम्मीद है। अरे अनिल की तो बात छोड़, पर मेरी समझ में यूँ आ रही थी, अब बहू की एक छोटी बहन की दो, क्या नाम है उसका? आरती है। हाँ आरती, तू ऐसा कर मोटरसाइकिल ले जा और उसी को लिया, दो चार दिन को रोटी पानी के लिए पुगाओगी वो, तब तक बहू ठीक होगी। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, इस समस्या का हल यही है, मैं चला जाता हूँ, पर एक बार मंजू को कह दूँ। मंजू बच जाता नहीं है, ऐसा है मैं आरती को लेने जा रहा हूँ, रोटी पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी और तुझे भी आराम हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं भी यही सोच रही हूँ, और मम्मी पापा से कहना कि मेरी ज्यादा फिक्र ना करें, दीपक से कहना कि चिंता ना करें। कह दूंगा, पर अपना ख्याल रखिए। अरे बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई मंजू को? नहीं मम्मी जी ज्यादा चोट ना, बड़ा किसी पैर का मोच आई। हाँ मेरा राजू दाती एक बार मोबाइल पास है तुम्हारा जी? चलो अब मैं भी देख गया, मैं एक बार मंजू बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए, मेरा बड़ा मन कर रहा उसे देखने। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। तो चलो ना सब चलो, मंजू भी खुश हो जाएगी। हाँ बेटा बात तुम्हारी सही है, लेकिन सब जाते अच्छे नहीं लगते, वैसे आरती जाए गई तुम्हारे साथ। देख आरती किसी काम में शिकायत नहीं आनी चाहिए, अपने काम से काम रखिए। मम्मी आप चिंता ना करो, मैं शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। वो तो हमें पूरा यकीन है, लेकिन अनिल से थोड़ा कब कमी बात करिए, वो थोड़ा गर्म होगा। आप उसकी चिंता ना करो, वो थोड़ा काम चोर है और कोई बात नहीं। मार की फोन पे जरूर बात करती रही है ना, तो मैं चिंता लगी रहेगी। अच्छा जी मैं चलता हूँ, वहाँ मंजू की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। हाँ जल्दी आरती मेरी जाती मंजू से बात करा देना। हाँ मम्मी जरूर। भैया मेरी किताबें कहाँ रखी हैं? सब मैंने इस बैग में रखी हैं। ठीक है भैया। पढ़ने जा रही है, मैं काम करने जा रही हूँ। अरे पापा आप तो जानते हो आरती को पढ़ने का कितना शौक है। हाँ ये तो बात है। अच्छा जी राम राम, मैं चलता हूँ। चलो मैं इस बैग को नीचे तक पहुँचा देता हूँ। मौसा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, और सब ठीक है तुम्हारे घर पे? हाँ जी सब बढ़िया है। और तेरे पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? पापा ठीक है मौसा जी, पापा ने आपको राम राम बोली है। ओहो राम राम भाई, रिश्तेदार है हमारा वो तो। मौसा जी दीदी कैसी हैं? अब दीदी की मेरे से क्या पूछे भाई, तू आली तू अंदर जाकर पूछ उससे। ठीक है मौसा जी। और भाई कोई दिक्कत तो ना हुई? ना कुछ ना हुई। और कुछ कह तो नहीं रहा था हमारा समझी? ना कुछ ना, सब आपके बारे में पूछ रहे थे, चौधरी साहब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कोई बात नहीं, तू भी थक गया होगा, जाकर तू भी आराम कर अब। है ठीक है दीदी, तुम भी क्या देख के नहीं चल सकती? अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ पानी पड़ा है, कुछ देर पहले तो मैं वहाँ से निकली थी, तब तो पानी वहाँ नहीं था। तो पानी अपने आप ही उड़ के आ गया। खैर आप कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आ गई, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ ये तो सही बात है, अब हमारी खूबसूरत साड़ी आ गई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ओह साली को देख करके कैसी बहार आ रही है मुंह पे, वो तो मुझे दिख रहा है। जीजू मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरी दीदी का ख्याल नहीं रखा। हाँ ये तो हमारी गलती है, कोई नहीं अब हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मेरा क्यों,
तुम मंजू का ख्याल रखोगे, तुम्हारा कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी तो होना चाहिए कोई। आरती, तू दोनों भाइयों से दूर ही रहिए। अनिल ना दिख रहा है कहीं, कहाँ है वो? बस उसकी ना पूछो, वो तो छोटा सांड है, कब आवे कब जावे उसका कुछ पता नहीं चलता। तू भी उससे संभाल के रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। आज तक तो किसी ज्यादा मड़ा नहीं। कितनी बार कही है रोटी रख दे कर, मेरी सुनती ना तू? अब चुप क्यों खड़ी है बीच की रात? कहाँ है रोटी? मुझे ना पता था तुम्हारा भी खाना रखना है। ना और कौन रखे है मेरा खाना? चोट पैर में लगी है दिमाग में? दिमाग ठीक है तेरा? वो मैं ना हूँ। मैं ना हूँ तो तू कौन भूत है? अरे क्यों ना ड्रामा इस पे? ना आरती उतारू मैं इसकी। अरे यार तेरी भाभी ना, उसकी बहन आरती है। तो यार बोल ना सके, मैं इतनी देर तक बोल रहा हूँ। तुमने बोलने का मौका कहाँ दिया? बस शुरू ही हो गए। क्यों मरने के तेरे मुंह पे ताला मार दिया तो बोल ना सके थी? बोलना दे तू किसी को? तुझे ये तो पता नहीं किससे कैसे बोलना, बोलने की तमीज तुझे है नहीं। मुझे तेरे से कुछ सीखने की जरूरत ना, मुझे पता तू क्यों इसकी होड़ ले रहा है। गंजा के मतलब है तेरा? बताओ अभी, करता रहता कुछ है नहीं? ए नहीं करता, पता क्या करेगा। चलिए जीजा जी, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, गलती मेरी है, मैं आगे से खाना रख दिया। टाइम तो आया कर घर पे, रात भर फोन पे ठहरेगा तेरे लिए। क्यों आया तू? उठ के किसने बुलाया तू? अरे आप दोनों तो शुरू ही हो गए, चलिए जी जल्दी। हाँ हम दर्द इकट्ठे कर रहे हैं, बहुमत बना रहा, सरकार बनानी है तुझे। लड़ने से कोई फायदा नहीं है जीजा जी। न्यू ससुराल इकट्ठी करे तो ना डरता हूँ मैं, करके दिखा रहा है। न्यू ना डरता नहीं, न्यू भीड़ इकट्ठी करे तो क्या और दो चार बुला ले। आए हाँ देखे जमान लगा जमावड़ा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ मैं तो इसे पी लूंगा, भूख लग रही है, रोटी वोटी का तो कुछ है ना। तो जम्मन दे दिया होगा, दिन चिपता नहीं, जम्मन पहले दे दे, यूं नहीं देखते कुछ। मौसा जी आपकी तुलसी वाली चाय। अरे वाह भाई वाह, तुझे कैसे पता है कि मुझे तुलसी वाली चाय पसंद है? मौसा जी मैंने दीदी से पूछ लिया था घर में किसको क्या क्या पसंद है। बड़ी समझदार है तू तो। दरअसल राम सिंह जी की किस्मत ही अच्छी है, उन्होंने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। चल खैर कोई बात नहीं, अपना काम कर बेटे। ठीक है मौसा जी। अरे हाँ आरती जी। मौसा जी। बेटे मैं आज शहर जाऊंगा, तुझे कुछ मंगाना तो नहीं? मौसा जी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आते समय दीदी की दवाइयाँ लेते आना। अरे हाँ वो तो अच्छी याद दिलाई भाई तूने। दीदी अचार कहाँ रखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। वो वही रखा है आटे के डिब्बे के पास में। ठीक है दीदी। आरती मुझे भी दही और पराठे दे दे। जीजू दही नहीं मिल पाएगी, कल रात को मैंने दूध जमाया था। लेकिन वो जमा नहीं है, कल रात को उसमें से किसी ने दूध पी लिया, उसके पास कटोरा भी पड़ा था। यू कौन कर सके हमारे घर में काम, एक ही तो है, भूखा आया होगा, दूध पी के सो गया। कोई नहीं जीजू, मैंने आपके लिए पराठे बना रखे और दूध गर्म कर रखा है, अभी लाती हूँ। ठीक है जल्दी से ले आ। ऐसा करिए चलिए फिर, ये ना डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखी, किसी चीज की जरूरत हो ना तो आरती को बोल दिए। ठीक है। दीदी मुझसे वो मुर्गा कट्टा ना उतर रहा, क्या करूं? वो तो तेरे जीजा नहीं आएंगे तभी होगा। अनिल कहाँ है, उसे कहकर देखती हूँ। वो तो सो रहा होगा, उससे कहने का कोई फायदा नहीं है, कहेगी तो लड़ने को आएगा, मुझे भी बड़ा डर लगता है उससे। देखते हैं दीदी, करना तो उसे पड़ेगा, कोई तरीका सोचना पड़ेगा। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली पर टेढ़ा कर लेना चाहिए। तू उससे मतलब खामा है, तेरा झगड़ा और हो जाएगा उससे। बस तुम देखते जाओ उसे कैसे काम करवाती हूँ। आरती सुन तो सही, कहीं लड़ना पड़े वो उससे। अनिल
अनिल उठो, अनिल उठो, अनिल देखो कितनी धूप निकल आई है। ये लेना है तुझे? उठो तो सही, नाश्ता कर लो। मेरी जब मर्जी होगी मैं नाश्ता करूँ, तुझे नहीं आते? और खबरदार क्यों नहीं जगाया तुमने? अरे सुनो तो सही, खड़े हो एक बार। के टेंडर लगा रखे, सोन क्यों ना देती है? अरे सुनो एक बार, खड़े हो। जीजा जी नहीं है यहाँ, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। ओहो, तो तुझे मास्टर नहीं बना के लाया गया मुझे काम सिखाने के लिए? तेरा पूरा खानदान और वो तेरा जीजा भी लग जाओ ना, मेरी मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते। अरे वो कुछ भारी सामान है, मुझसे हो नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ। तो बुला अपने जीजा को, वो करवा देगा। वो तो खेत पे गए हैं। तो मेरे बस की ना किसी के काम करवाने, अपना काम अपने आप करो, तड़की तड़क आ जा, नींद खराब कर। अरे वो तो मुझसे मौसा जी कह के गए थे कि अगर किसी काम की जरूरत हो तो अनिल से करा लेना, और ना करे तो मुझे बता देना। तुम्हें चुन लगाना ही है। अब जो बात सही है वो तुम्हें कहूंगी, और नहीं करोगे तो मैं मौसा जी से कह दूंगी, करना है करो वरना मत करो, मैं तो चली गई। इधर ना आओ, चलो बताती हूँ क्या करना है। राजू की बहू ठीक थी तो दही कहाँ है? दही ना जमी। क्यों? रात को दूध को किसी ने खुला छोड़ दिया, इसमें मक्खी मच्छर गिर गए, सारा दूध खराब हो गया। तो दूध कौन सा मोल लेना था? अब क्या कर रहे हो? दूध पी रहा हूँ, और क्या करूँ? ऐसे कैसे दूध पी रहे हो? क्यों, अब इस घर में तेरे तक बूझ के दूध पीना पड़ेगा? अरे मेरा मतलब था ना, तो तुमने हाथ मुंह धोया ना ही ब्रश किया। तू डॉक्टर है के? साफ सफाई तो रखनी चाहिए वरना बीमारी फैल जाएगी। देखना मैं बीमार हूँ ना, तू डॉक्टर है, अपना ज्ञान अपने जरूरत रखे। भगवान
खाना कहाँ है मेरा? खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें आदमी बनना पड़ेगा। आदमी? जब मैं आदमी दिखाई ना दे रहा तो थारे यहाँ कैसे आदमी हो? मेरा मतलब है तुम्हें सही तरीके से घर में आना होगा, सही तरीके से खाना खाना होगा। और तेरा सही तरीका क्या है? वापिस जाओ, घर के बाहर जाके दरवाजा खटखटाओ, फिर मैं दरवाजा खोलूंगी। अंदर आके अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर फिर खाना मांगो, तब तुम्हें खाना मिलेगा। बस इतनी सी तो बात है। बस इतनी सी तो बात है या है? तेरी एक दो बात की मान ली तू सिर पे चढ़ गई। अरे जितनी तेरी मान ली उतनी तो मैं अपने बाप की भी ना मानता हूँ। तो भूल जाओ फिर खाना। तू ये मास्टर डिग्री छोड़ दे, मैं तो चलती कर दूंगा यहाँ से। अपने घर करना है ड्रामे जाकर। तुम चाहे जो भी कहो, खाना तो तुम्हें वैसे ही मिलेगा जैसे मैं करूंगी। अरे क्या हो गया, तू दम मचा रखा है? न सोन देते न पढ़न देते। कितनी देर तक खाना मांग रहा हूँ, देना रही बेटे खाना दो ऐसे। देखिए कहू के जाए पे इतना जुलम मत करो। यो संसार में अवतार ही इसने खाने के लिए लिया, और तुम खाना ना देते। मौसा जी, मैंने खाने से मना नहीं किया, मैंने बस इतना कहा कि घर में कूद कर नहीं गेट से अंदर आया करो, लेकिन ये मानते ही नहीं है। भाई बात तो ये छोरी बिल्कुल ठीक कह रही है, तू मानता नहीं क्यों नहीं? जैसा या कह वैसा करो। मुझे ना खाना खाना होना। आज सुन रहे, खाना भी खाना पड़ेगा और दरवाजे से सीधा सीधा आना भी पड़ेगा, और ना मेरे लटकाने पड़ेंगे तुझे। अब घर में इसकी चलेगी के? हाँ। अरे इसका क्या मतलब है? दो चार दिन काम करे जा अपने घर। बात इसकी या उसकी नहीं है, बात है सही और गलत की। यू काम तो तेरे साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चल जा और दरवाजे से आ। सुनती ना, जा रहा है कि नहीं? बेटे अगर यू ऐसा ना करे तो तू मुझे जगा लिए, ठीक है ना? ठीक है मौसा जी। सुन रहे, समझ जाएगी, मानस हो जा। जब ते आई है मेरे ही पीछे पड़ रही है, और पता ना घर वाले भी इनके गैल ही भेज दे, माड़ा सा बहाना चाहिए। और उसके माड़ी सी चोट लगी, आसन पानी लेके लौट गई। अरे थोड़ी सी चोट थी, एक दो दिन में ठीक हो जाती, सारा कुनबा पागलों का दिखे। अपने काम से तो मतलब है ना, दूसरों को देखते फिर कब आ रहा है, कब जा रहा है, इसे रोटी देनी है नहीं देनी है पता ना। अरे मेरे से क्या मतलब है? तू अपने आई है तो अपने जीजा का काम कर, अपनी बहन का काम कर, मैं कभी आऊं कभी जाऊं क्या मतलब है इस बात का? पता ना नई नई बात चला रहे घर में, जो कभी ना चली ना चले। और मैं बड़बड़ा रहा हूं खामखा। पूरी सेवा कर रही है तो खाना खाया, थोड़ी देर बाद पी लेना।
तू यहाँ तक जाने का क्या लेगी? मुझे ना करना कोई काम आ, तू जाने तेरा काम जाने। अरे मुझसे तो मौसा जी कह के गए कि कुछ काम की जरूरत पड़े तो अनिल को बुला लियो। तने के गुट्टी पे आई है तेरा मौसम हमारा भी तो कुछ लगता होगा जब तेरे को मचाजी करके। अरे मैं क्या गुट्टी पिलाऊंगी, तुम्हें करना है तो करो वरना मत करो, मैं तो कह दूंगी मौसा जी से। कल की तरह ऐसे ही कोई जेब हुआ मैंने सारा कुछ एक ही राजू है जिसने सारा कुमार मेरी छाती में बैठा दिया ना इसके ससुराल वालों को क्या दीवान चोरी भेज दिया कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ठेका ले रखा के तेरे काम होगा अपने आप कर, पहले ब्रश तो कर लो। और बकर लबड़ लबड़ करती है तेरी जवान ना थकती क्या? मैंने बोल दिया ना पहले ब्रश कर लो इसको बाद में पीने दूंगी। अरे मारा घर मारी दही तू कौन है भाई? मैं चाहे कोई भी हूँ पहले ब्रश कर लो उसके बाद दही मिलेगी। मार दी मेरे भी चोट, मौसा जी को आ जाने तो आज उनको सारी बात बताऊंगी। देख मेरा नाम मत ले, मना ना करा कुछ भी। और किसका नाम नू? तुमने ही तो मारी है मुझे चोट, ये भी नहीं देखा मुझे कितनी चोट लगी है। मन्ने तो कही थी दही पी लेने दे, अब धक्का लग गया तो मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस मौसा जी को आ जाने दो, अब तो वही करेंगे जो करेंगे। तुम मौसा को क्यों लावे बीच में बार बार? ठीक है नहीं लाऊंगी, लेकिन जो मैं बोलूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? देख ज्यादा काम ना होता मेरे पे छोटा मोटा कर दूंगा मैं। छोटा मोटा कुछ नहीं, बस यही घर के काम है जिसमें तुम्हें मेरी मदद करनी है। अच्छा एक बात बता, तू कद जाओगी हद तक? तुझे मैं ही मिला हूँ तंग करने को, कभी कदार अपने उस जिज्जा को भी देख ले कर। बातें बनानी बंद करो और इसको साफ कर दो जो तुमने दही गिराई है। अब ऐसे भी काम करने पड़ेंगे क्या अपने आप का? तुमने गिराई ना तुम ही साफ करना, मौसा जी को कह दूंगी मैं। ऐसे ही अच्छे से पानी से साफ करो भाई, अच्छी मुसीबत आई है। मेरे बस की ना, मुझे काम है। तुम्हें कौन सा काम है? यही तो काम है बस इधर उधर घूमना। तुझे बड़ा पता मैं क्या करूं? दो दिन तो यहाँ आई है सीबीआई में तू, इसे सब पता भाई। मुझसे बहस मत करो, मुझे तो मौसा जी बोल के गए कि नील को खेतों पे भेज देना नाश्ता लेकर। मौसा जी अरे मौसा जी तो अलग भी कोई बात होगी या एक ही बात पता तुझे? हमारी बात खत्म हो गई हो तो मैं नाश्ता ले आऊं, मैं दीदी से कहकर आती हूँ। ये लो चाबी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ खेतों पे। अरे तू क्या करेगी, मैं जाके मैं दे आऊंगा। मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई हूँ, मुझे भी खेतों पे जाना है। और तुम्हारा भरोसा भी तो नहीं है टाइम पे खाना ले जाओगे या नहीं? देख मैं मोटरसाइकिल तेज चलाऊं फिर मेरे से मत कहिए। तुम चलो तो सही। गिर भी जान दे। रोको तो सही। बाइक रोकना, लगता है बाबा को कुछ हो गया है।
हे भगवान, तेरे ठीक कर ले रखा के सारी दुनिया का। अरे तुम रोको तो सही। क्या अच्छी समाज सेवी आई है भाई गांव में। नमस्ते। रोटी ले आई? वाह भाई वाह, भूख तो लगी रही थी। ओहो, आज तो बड़े साहब भी आए। सलाम साहब। अरे राजू देखिए इधर भी, नहीं तो नहीं भर सका। आज बड़े साहब आए भाई अपना खेत में संभालने। क्यों चमत्कार तो मैं भी देख रहा पापा। और यू ब्याह कर इसे मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, अरे कहाँ चल दिया? मुझे काम है निकल। अरे कहीं नहीं मील लग रहे तेरे, अब आया है तो कोई दो काम करता चला जा भाई। हला लिया अगर कुछ शरीर को। छोड़े काम कर, यहाँ मैं रोटी खाऊं। ले पकड़ ले बेटा, आ ले। इतना ठीक करा रहा था, लिया जो गाल बेटे गाल। आरती, इसे आज हल्दी का दूध दे दिए, ये बहुत काम करेगा, इसके हाथ पांव दुखेंगे। आरती ने फसवा दिया आज, देखो कुछ पूरे पहाड़ेगा तो भाई। गाल बेटे गाल। राजू बेटा तू नौकर आरती को ले जा, या तो जाकर अपना घर का काम निपटा लेगी, और यो जो तेरे वाला बकाया काम है ना यो अनिल कर लेगा। आरती को तो मैं ले जाऊंगा, तुम इसे क्यों दुखी कर रहे हो? अरे मुझे पता तेरे काम तो बचने के बहाने हैं। करने तो लग रहा हूँ, सारा ही मैं करूँगा, तू कर ले, इतना फालतू बोल रहा। अरे राजू को ले जान दे इसे, आज तुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा तो तेरे पे जोर पड़ गया। राजू ले जा भाई। ठीक है चल आरती। हाँ नमस्ते बेटे, नमस्ते। जाइयो और ध्यान से जाइयो। ठीक है ठीक है। अरे राम। और सुने मैं जाऊं फिर मैं तो मिलने, और देखे यो सारा काम निपटा के जाइये, कभी मेरे जाते छूमंतर हो जा। हैं तो बताओ अनिल को खाने में क्या क्या पसंद है? तू क्यों पूछ रही है? मैं तो
इसीलिए पूछ रही हूँ। आज उसने घर पे भी और खेत में भी बहुत काम किया है, मनपसंद का खाना मिलेगा तो खुश हो जाएगा। तू उसके चक्कर में मत पड़ी है, तू तो भूल ही जाएगी उसने कुछ काम किया होगा। नहीं किया होगा, कल तो कराना है। अच्छा खाना मिलेगा तो अच्छा बोलेगा भी और अच्छा काम भी करेगा। तौलिया लेकर आती हूँ। हलवा आज घर में कुछ है क्या? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? भाई हलवा तो माँ जब भी बनाया करती, जब कुछ खास होगा तो इसलिए पूछ रहा हूँ। तुमने बिल्कुल ऐसा बनाया जैसे मेरी माँ बनाती। वो तो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि आज तुमने खेतों पर सारा दिन काम किया है, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है मैंने पूरे दिन काम करा होगा? थोड़ा बहुत तो किया होगा, आदत थोड़े से ही डलती है। तुझे पता है हलवा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थोड़ा टाइम से आ जाया करो, सबके साथ खाने में और ही मजा है, और दूध के और खाना खाने के बीच में गैप भी मिल जाता है। मैं खेत पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। दीदी गेहूँ कहाँ रखे हैं? आटा खत्म होने वाला है, मैंने सोचा गेहूँ धो के सुखा दूँ। वो तो अंदर वाले कमरे में बोरी रखी है, वो तुझसे नहीं उतरेगी। थोड़ी देर पहले बताती तो मैं उनसे बाहर रखवा देती। मैं एक काम करती हूँ, अनिल को बोल के देखती हूँ। दही कहाँ है? ये दूध क्यों ना पिया? और मैं कह रहा हूँ दही कहाँ है? दही बाद में मिलेगी, पहले ब्रश करके आओ और मुंह धो के आओ। मैंने आज इसमें जीरा भून के डाला है, पेट के लिए सही रहता है।
अब बता क्या करना है। गेहूं की बोरी उतारनी है, कुछ गेहूं बाहर लाके रखने हैं। अच्छा कहाँ है? तुम ये भी ना बता। अरे लेक्चर को दे मत, कहाँ है बोरी? चलो ये मैं करता हूँ, ये लेक्चर का काम नहीं है, समझ लिए ना, इतनी मेहनत लगती है। इसे यही रख दो, धोके सुखाने हैं, और खेत में चलो। अभी? हाँ, खेत में खाना लेके जाना है। के हुआ? रोको तो सही। ए भगवान। अनिल ये लो फोन और प्लीज मेरी फोटो ले दो। ओहो की मुसीबत है। बस एक यहां भी। यार फोटो तो मारे भी अच्छे आवे हैं, पर यार मारे फोटो खींचा कौन है? यार फोटो तो हमारे भी अच्छे आवे हैं, पर यार अरे कोई बात नहीं, पर कोई गोले सोने थोड़े ही है। हाँ खिंचवा दे फोटो। हमारा फोटो कोई नहीं खींचता यार, हम इतने गोरे सोने थोड़ी है। यार मारा भी खींच दे फोटो। अरे देख, अरे के देख रहा, बैंड बाजा बजा जब खींचेगा फोटो। हाँ फोटो तो सारा खींचना पड़ेगा और बैंड बाजे के साथ ही खींचना पड़ेगा। साफ सफाई में करता रहूं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ तुम लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हो। ओहो अरे ये तो गलती होगी दिखे। अरे भाई साहब, अरे कहाँ ये तो चले गए दिखे हैं भाई। या तो तैयार थी मैं ही खामा खा गड़बड़ कर बैठा। माँ सही कह कर रही थी अगर लड़ाई झगड़े से दूर रहो, पर किसी की सहायता करो तो उल्टा काटने को आवे। बताओ माँ की बात तो याद कर रहे हो और उसका उल्टा मतलब लेके जा रहे हो।
फिर गलती होगी दिख रहा है भाई। मैं तो भूल ही गया था कि मैं मास्टरनी से बात कर रहा हूँ। आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो चलें। चलिए।